गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट आयोडोफॉर्म। फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म इज CH3 एंड IUPAC नेम ऑफ आयोडोफॉर्म इज ट्राई आयोडोमेथेन। ठीक है, एंड आयोडोफॉर्म का जो यूज है वो करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। अब आयोडोफॉर्म के सिंथेसिस के लिए मेथड के लिए अपन ने बताया था कि आयोडोफॉर्म है वो इसका फॉर्मेशन किया जाता है बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। तो उसे अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज आयोडोफॉर्म है वो एज ए येलो पीपीटी है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब अपन ने आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन के लिए जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है उसकी इक्वेशन इस टाइप से लिखी थी। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है? एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये अपन ने ले लिया था एल्कोहल, एथेनॉल। आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है तो हैलोजन, आयोडीन, आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल बेस। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म और आयोडोफॉर्म है वो एज ए येलो पीपीटी ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। प्लस साथ में सोडियम फॉर्मेट प्लस 5 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड एंड 5 मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप से होता है जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म की हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म किया था। हैलोफॉर्म रिएक्शन के जो एल्कोहल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कंडीशन क्या आती है? CH3CH OH ग्रुप होना चाहिए, तो एथेनॉल में ये ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले आयोडीन का 1 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करता है एथेनॉल से। तो एथेनॉल का एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं I2 के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल HI और यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन हो जाता है डबल बॉन्ड। तो एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाल्डिहाइड, यानी एथेनेल में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो एथेनेल है उससे रिएक्शन करेंगे 3 मॉलिक्यूल आयोडीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये इसके अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे, अल्फा कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय 3 आयोडीन। तो C I3
COOH और ये जो थ्री आयोडीन है वो यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन की जगह, और ये जो थ्री हाइड्रोजन यहाँ से गए वो थ्री आयोडीन के साथ थ्री एच आई, ये थ्री हाइड्रोजन बचे हुए थ्री हाइड्रोजन के साथ थ्री एच आई मॉलिक्यूल। अब देखिए जब अपन क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे और यहाँ पे अल्फा कार्बन पे थ्री क्लोरीन आए थे तो इस प्रोडक्ट का नेम था क्लोरेल। क्या था? क्लोरेल। यहां पे थ्री आयोडीन है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडेल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडेल। ठीक है, वहां पे क्लोरेल का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे आयोडेल। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? आयोडेल है, अब देखो आयोडो के लिए आयोडो, एल्डिहाइड के लिए एल, आयोडो प्लस एल आयोडेल। अब आयोडेल है वो रिएक्शन करेगा बेस के वन मॉलिक्यूल से। बेस के कितने मॉलिक्यूल थे? सिक्स। तो बेस का वन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन करेगा आयोडेल से। वहाँ क्लोरोफॉर्म का मेथड किया था, वहाँ पे क्लोरेल ने NaOH के वन मॉलिक्यूल से रिएक्शन की थी। तो ये Si3 और NaOH का H, ये Si3 और इसका H, ये फॉर्मेशन हो जाएगा CHI3 यानी आयोडोफॉर्म। ये फॉर्मेशन हो गया आयोडोफॉर्म का। अब यहाँ पे बचा H C डबल बॉन्ड O और यहाँ O Na, H C डबल बॉन्ड O O Na, तो ये साथ में आ गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, आयोडोफॉर्म मेन प्रोडक्ट बन गया और साथ में सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल थे? फोर। वन आयोडीन मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में, थ्री आयोडीन मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में। NaOH के कितने मॉलिक्यूल थे? सिक्स। यहाँ पे वन NaOH यूज हुआ है, NaOH के फाइव मॉलिक्यूल और है। अब देखिए फाइव मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ये रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ पे HI के फाइव मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, टू HI फर्स्ट स्टेप में, थ्री एच आई सेकेंड स्टेप में। तो ये फाइव NaOH है वो फाइव एच आई से रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, यहाँ H प्लस I माइनस, तो H प्लस OH माइनस के साथ फाइव एच टू ओ, और फाइव Na प्लस फाइव I माइनस के साथ 5 NaI। तो ये 5 NaI ये रहे और 5 H2O। तो ये आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन की हैलोफॉर्म रिएक्शन, या इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं, उसका क्या है मैकेनिज्म है। तो ये आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए क्लोरोफॉर्म है उसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और आयोडोफॉर्म है वो होता है येलो कलर का सॉलिड। तो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड में होता है और आयोडोफॉर्म है वो सॉलिड में होता है।
अब अपन यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म के बिटवीन क्या करेंगे डिफरेंस, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म में डिफरेंस करते हैं रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। अपन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा करके क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म है उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने प्योर क्लोरोफॉर्म है उसकी रिएक्शन करवाई थी सिल्वर नाइट्रेट से। अपन ने क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट किया था और अपन ने बताया था प्योर क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ HgCl का फॉर्मेशन नहीं करता, है ना। और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में फोस्जीन एंड HCl होती है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ HgCl का फॉर्मेशन करता है, है ना। यहां अपन क्या ले रहे हैं प्योर क्लोरोफॉर्म, तो प्योर क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरीन को एग्जिट नहीं करता, तो प्योर क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन है वो लीव नहीं होती, तो इसका क्लोरीन अलग नहीं होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ HgCl है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। Do not form PPT of HgCl, ठीक है। तो प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो HgCl की PPT का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। अब अपन लेंगे प्योर आयोडोफॉर्म। अब क्या लेंगे प्योर आयोडोफॉर्म लेंगे। अब प्योर आयोडोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। अब वी नो दैट Ci बॉन्ड है वो वीक होता है किसके कंपैरिजन में CCl के कंपैरिजन में। Ci बॉन्ड है वो वीक होता है किसके कंपैरिजन में CCl बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये अपन पहले बता चुके हैं Ci बॉन्ड है वो वीक होता है CCl के कंपैरिजन में। तो क्लोरोफॉर्म में तो है CCl बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए यहाँ से क्लोरीन है वो लीव नहीं होती। अब Ci बॉन्ड क्या होता है वीक होता है तो आयोडीन है वो यहाँ से ईजिली रिलीज या लीव हो जाएगा, है ना। तो प्योर आयोडोफॉर्म है वो आयोडीन को रिलीज कर देगा बिकॉज Ci बॉन्ड वीक होता है तो यहां से आयोडीन रिलीज हो जाएगी, यहां से I माइनस और यहां पे Ag प्लस I माइनस फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ AgI। तो अपन प्योर आयोडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से अपन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म में डिफरेंस कर सकते हैं किससे रिएक्शन करवाकर सिल्वर नाइट्रेट से। आप देखिए नाउ वी स्टार्ट केमिकल कैरेक्टर ऑफ आयोडोफॉर्म।
तो आयोडोफॉर्म की जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म की जैसी होती है। हाँ, इनमें जो डिफरेंस था केमिकल रिएक्शन में वो अपन ने अभी कर लिया था कि प्योर क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ HgCl की PPT का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि प्योर आयोडोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ HgI की येलो PPT का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो केमिकल करेक्टर ऑफ आयोडोफॉर्म है। अब आयोडोफॉर्म की जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म की जैसी होती है। अब जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन उससे सिल्वर पाउडर से करवाई थी तो वहां पे एथाइन का फॉर्मेशन हुआ था, वैसे ही आयोडोफॉर्म है वो भी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, एथाइन का, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिंथेसिस ऑफ एथाइन, यहां अपन आयोडोफॉर्म के ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल। जैसे अपन ने यहां पे क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो 2 आयोडोफॉर्म में आयोडीन एटम कितने हो गए, 6, तो सिल्वर के कितने एटम ले लेंगे, 6। तो यहां से 6 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे सिल्वर आयोडाइड के, 6 मॉलिक्यूल सिल्वर आयोडाइड, इधर CH, इधर भी CH, ये जॉइंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल बॉन्ड, तो ये फॉर्मेशन हो गया एथाइन का जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो जिस टाइप से क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके एथाइन का फॉर्मेशन करता है, उसी टाइप से आयोडोफॉर्म है वो भी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके एथाइन का फॉर्मेशन करता है। अपने क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करवाया था, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। आयोडोफॉर्म है वो भी बाय हाइड्रोलाइसिस सिंथेसिस करता है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए ये यहां पे अपन बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यानी एक्वस बेस से रिएक्शन, ये हो गया आयोडोफॉर्म तो यहां पे आयोडीन मॉलिक्यूल 3 है तो बेस के मॉलिक्यूल ले लेंगे 3 और ये बेस होगा एक्वस तो यहां पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन, बिकॉज हैलोजन कंपाउंड है वो एक्वस बेस के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं SN रिएक्शन। तो यहां से आयोडीन चले जाएंगे सोडियम के साथ -3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयोडाइड और यहां पे आयोडीन की जगह लग जाएंगे 3OH। ठीक है, तो 1 कार्बन पे 3OH तो ये हाइड्रेट कंडीशन हो गई और हाइड्रेट कंडीशन है वो अनस्टेबल होती है और
हाइड्रेट से क्विकली वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जिट हो जाता है, तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये फॉर्मेशन हो गया फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। तो जिस टाइप से क्लोरोफॉर्म बेसिक हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वैसे आयोडोफॉर्म है वो भी फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। रिडक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म, अब देखिए जैसे क्लोरोफॉर्म का अपन ने रिडक्शन करवाया था 2H रिडक्शन एंड 6H रिडक्शन, वैसे ही आयोडोफॉर्म का होगा पहले अपन आयोडोफॉर्म का 2H रिडक्शन करवाएंगे और फिर आयोडोफॉर्म का 6H रिडक्शन करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म का 2H रिडक्शन कराया था, मेथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे हो जाएगा मेथिलीन आयोडाइड, ये आयोडोफॉर्म हो गया। तो यहां पे वन हाइड्रोजन वन आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये CH2I2 प्लस HiCH2I2 मेथिलीन आयोडाइड या फिर डाइक्लोरोमेथेन, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा डाई आयोडो फॉर वन कार्बन मेथेन, मेथिलीन आयोडाइड या डाई आयोडो मेथेन। तो ये तो क्लोरोफॉर्म की तरह आयोडोफॉर्म का 2H रिडक्शन हो गया। अब अपन 6H रिडक्शन करवाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म ने 6H रिडक्शन से दिया था मेथेन, वैसे ये भी किस में कन्वर्ट होगा मेथेन में, यहां पे 3 आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन पहले से है तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा मेथेन का, और ये 3 आयोडीन 3 हाइड्रोजन के साथ 3HI, ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म का रिडक्शन है सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म जैसा। अब आयोडोफॉर्म की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन वो अपन कर चुके हैं, आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ येलो पीपीटी ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है ना। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ये अपन ने अभी क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म में डिफरेंस किया था, वहां पे यूज ली थी। आयोडोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, CI बॉन्ड है वो वीक होता है तो यहां से आयोडीन है वो रिलीज हो जाएगा और यहां Ag प्लस, तो यहां AgI का फॉर्मेशन हो जाएगा येलो पीपीटी ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म के क्या है केमिकल करेक्टर्स है जो सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म के जैसे होते हैं, ठीक है। ये एक करेक्टर है वो डिफरेंस होता है विद सिल्वर नाइट्रेट, ये अपन डिफरेंस में कर चुके हैं दोनों के। तो ये आयोडोफॉर्म है वो कंप्लीट, यानी अपना ट्राई हेलो एल्केन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे टेट्रा हेलो एल्केन, जिसमें अपन करेंगे पायरीन CCl4। थैंक यू।